मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन हट नहीं सकते। और हम सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने जब पीछे हम गुर्जर गौरव यात्रा में सहारनपुर में आए थे तो हमने मीडिया के सामने इनको बुलाया था, यदि आपके पास कोई सबूत है तो हमसे डिबेट करो। नागभट्ट पे, उनके पूर्वजों पे, महीपाल पे, यशपाल पे, जो पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश रहा उस पर किसी पर दावा करा इन्होंने? 562 रियासतों में अधिकतर इनकी रियासत है जो बची, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत बनाया, जिनको मिला गया, ये मुगलों से अंग्रेजों से कैसे बच गई मेरी समझ में नहीं आता। एक अनंगपाल तंवर जी को जिन्होंने दिल्ली बसाई, जो तंवरों के दिल्ली में गांव है, इनका तो कोई गांव नहीं है दिल्ली में, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की वो भी गुजर है। तो समाज के नाम पे नहीं बटेगी ये जाटो समाज से, गुजर समाज में देखो क्यों आया है, ये जाटो समाज से आया, बहुत सारे भाई आए हैं, तो ये हमारे साथ समाज के साथ है, हम इनके साथ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं सहारनपुर के महाराजा पैलेस में मौजूद हूं और यहां पर राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी का गुर्जर समाज के लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। बातचीत करने के लिए स्वयं रविंद्र भाटी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रविंद्र भाटी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। रविंद्र भाटी जी, आप कभी मध्य प्रदेश में होते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में होते हैं, कभी दिल्ली में होते हैं, कभी हरियाणा में होते हैं, कभी पंजाब में होते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में होते हैं, आपके मन में क्या है भाई? दरअसल विपिन भाई, गुर्जर समाज जो एक बहादुर और देशभक्त कौम है, लेकिन आज आज़ाद भारत में भी जो गौरवशाली इतिहास गुर्जर समाज ने इस देश की आज़ादी में शहादत दी हजारों लोगों ने, उनके साथ एक इतिहास के साथ एक षड्यंत्र के तौर इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है। और उस छेड़खानी में कभी वो मध्य प्रदेश में गुर्जर सम्राट मीर भोज में टीन रख दी जाती है, कभी वहाँ जो ऐतिहासिक हमारे मंदिर है उनसे नाम हटा दिया जाता है, गुर्जर प्रतिहार में से केवल गुर्जर शब्द को हटा देते हैं। कुछ लोग समाज के इतिहास को चोरी करना चाहते हैं। हम जब तक हमारे शरीर में प्राण है अपने इस गौरवशाली इतिहास को ना मिटने देंगे ना ख़त्म होने देंगे, उसके लिए हमें चाहे कहीं जाना पड़े। दूसरे जो हमारा समाज है, इसने लंबे समय तक संघर्ष किया, मुगलों के समय पर संघर्ष किया, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से लड़े, तो ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ते चले गए। और ये कोई कहीं पर हम बैकवर्ड में हैं, कहीं पर हम ST में हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उन पर भी ये कुठाराघात सरकारें अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ मुस्लिम गुर्जर बकरवाल है वो सेना के साथ मिलकर देश की लड़ाई लड़ता है, और कश्मीर यदि आज सुरक्षित है तो विपिन भाई उनकी वजह से ही है। उनके आरक्षण के साथ भी छेड़खानी चल रही है, वही तो वोट देते हैं, वही भारत के साथ खड़े हैं, और आप उनको ही, उनके साथ उनके जो अधिकार हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा तो एक समाज का सपूत होने के नाते या समाज का बेटा होने के साथ मेरा तो ये दायित्व है, पीड़ा है, कि जहाँ भी गुर्जर समाज के अधिकार छीने जाएंगे, जहाँ भी गुर्जर समाज के इतिहास के साथ छेड़खानी होगी, मैं वहाँ पहुँचने का काम करूँगा और उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करूँगा। इसके साथ ही गुर्जर समाज एक जाति नहीं, संस्कृति भी है, और हमें इसके अलावा, गुर्जर समाज के अलावा भी कहीं गरीब, कमज़ोर, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, उनके साथ अन्याय होता है तो वहाँ भी गुर्जर समाज सबसे आगे खड़ा मिलता है। आप कह रहे हैं कि गुर्जर समाज का इतिहास चोरी हो रहा है, उधर राजपूत समाज कह रहा है कि राजपूत समाज का इतिहास चोरी हो रहा है, वास्तव में इतिहास किसका चोरी हो रहा है? देखिए, उनकी सत्ता है और वो सोचते हैं सत्ता केवल आपकी केले की है, और उन्हें 2 साल से ही, जब से योगी जी नोएडा आए उस समय से उन्होंने कहना शुरू किया है। मुझे आप ये बता दो, उससे पहले कभी इन्होंने मीर भोज जी की जयंती मनाई हो, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की, कभी कोई इन्होंने प्रोग्राम करा हो? पूरे 2 साल से पहले, दो दादरी वाला प्रकरण हो उससे पहले इनको नहीं पता था, अचानक से पता लगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए, उस समय के शिलालेख देख लो, उस समय के ताम्रपत्र देख लो, उस समय के कवि देख लो, उस समय के जो विदेशी यात्री भारत आए उनके वो देख लो आप, और जो इतिहास की किताबें हैं जो अलग अलग जाति के कवियों ने, अलग अलग जाति के लेखकों ने लिखी, हम गुर्जर समाज की बात नहीं कर रहे, उनकी किताबें पढ़ लो, और जो हमारी मूर्तियाँ, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था 1942 में हमने मीर भोज डिग्री कॉलेज दादरी में लगवा दी थी, और 6 संस्थाएँ गुर्जर सम्राट मीर भोज की दादरी में संचालित है शिक्षा की। 1942 से 75-60-70 सालों से इन्हें पता नहीं था, 2 साल से ये ताकत के दम पे, अपनी सरकार के दम पे ये इतिहास चोरी करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिनका कोई ज़्यादा बढ़िया इतिहास नहीं होता तो वो इतिहास चोरी करते हैं। इतिहास यदि आपको बनाना है तो उसके लिए
संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए खून की नदियां बहानी पड़ती है। गुजरों के तो अपराधी जाति हो गए इसी में, वो लंबे समय तक 1872 से लेके और 1952 तक, इवन विपिन भाई देश आज़ाद 1947 में हो गया लेकिन गुजर समाज आज़ाद हुआ 1952 में, उनको गुजर जाति बाई बर्थ घोषित कर दिया गया क्योंकि हम अंग्रेजों से लड़े। तो जो हमारा इतिहास है वो कोई आज का थोड़ी है, वो तो 6वीं शताब्दी से है और आज 2023 चल रही है, लेकिन ये 2 साल से पता नहीं क्या षड्यंत्र है क्या नहीं है, कौन ऐसे लोग हैं, इसके पीछे किसका दिमाग है, क्या उसके पीछे रणनीति है, इसके पीछे छेड़खानी चल रही है, लेकिन गुजर समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि अपनी लड़ाई लड़ना सके। राजपूत समाज के लोग सम्राट मीर भोज को लेकर कहते हैं कि गुर्जर समाज तो बेकार में ही बवाल काट रहा है, ये मामला तो मध्य प्रदेश में विचाराधीन है, तो साक्ष्य गुर्जर समाज के पास कुछ है नहीं, वहाँ पर तारीखों पर गुर्जर समाज के लोग पहुँच नहीं रहे। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें जो PhD हुई है, पूरी साहब ने PhD की है गुर्जर प्रतिहार वंश के ऊपर, और हमने जब पीछे हम गुर्जर गौरव यात्रा में सहारनपुर में आए थे तो हमने मीडिया के सामने इनको बुलाया था, यदि आपके पास कोई सबूत है तो हमसे डिबेट करो, हमने तो तमाम सबूत दिखाए, हमने तो मोदी जी ने जो मूर्ति लगाई वो भी दिखाई ग्रेटर नोएडा में, जो अक्षरधाम में मूर्ति लगी हुई है पूरा गुजर प्रत्यार वंश लिखा हुआ वो भी दिखाई, जो हमने त्रिवेंद्र रावत ने मूर्ति जी लगा रहे वो भी दिखाई हमने, हमने तो जो NH24 का नाम गुजर सम्राट मीर भोज, हमने तो सारे साक्ष्य, हमसे ज़्यादा साक्ष्य किसी पर है ही नहीं, शिलालेख। एक बात बताइए विपिन भाई, जो उस समय के गुजर प्रतिहारों के दुश्मन थे, जब दुश्मन भी ये कहते हैं कि ये धाड़ता हुआ गुजर है महिपाल ये या महेंद्रपाल है, अच्छा एक बड़ी अचंभे की बात नहीं है, ये गुजर सम्राट मीर भोज को तो मांग रहे हैं लेकिन उनके पिताजी पे, नागभट्ट पे, उनके पूर्वजों पे, महिपाल पे, यशपाल पे, जो पूरा गुजर प्रतिहार वंश रहा उस पर किसी पर दावा करा इन्होंने? अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना तो दादा मांगू ना पोते मांगू और बीच के उन्हें मांग लूँ, बस एक ही आदमी चाहिए इनको, तो ये चलेगा नहीं, झूठ की जो ना बुनियाद वो ज़्यादा दिन नहीं चलती, और इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, इतिहास भावनाओं पर आधारित नहीं होता। आप किसी भी कवि को, किसी भी लेखक को कहीं पूछ लो, अभी UPSC की परीक्षा में प्रश्न आया था गुजर सम्राट मीर भोज का, अब इनके कहने से तो कुछ होगा नहीं, ये तो थोड़ा सा जो लोग सरकार का ही सोचते हैं कि तुम्हें सपोर्ट मिलेगी तो तुम इनके इतिहास को दबा लो, इन्हें गुजर ही सबसे कमज़ोर मिल रहा है, गुजर के साथ साथ ये तो जाटों के भी इतिहास को, ये तो यादवों के भी आलाउदल को अपना कहते हैं, अब बताओ इनको कौन रोके? अरे भैया यदि तुम्हें मनाने वैसी पूजा कर ले करो, हमारे गुजर सम्राट की कर लो, वो केवल गुजरों के राजा थोड़ी थे, उन्होंने तो पूरे देश के सर्व समाज की रक्षा की, पूरे देश की सीमाओं की रक्षा की, तो वो तो सबके हुए, तो इनको पूजा करने में क्या दिक्कत है, हम तो नहीं रोक रहे। रविंद्र भाटी जी, आप गुर्जर समाज के बड़े ही सम्मानित और समझदार व्यक्ति हो, सम्राट मीर भोज को लेकर अब हरियाणा के कैथल में एक तरह से विवाद शुरू हो गया है, तो इसका हल क्या है, या इस प्रकार से ये संघर्ष कर चलता रहेगा? देखिए इसका जो ना, इसका हल इनको पता है, दरअसल ये जो ना दूसरी चीज़ से घबराए हुए हैं, गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश, जिसके शामली में 84 गांव चौहान गोत्र के हैं और जो उनके वंशज है, और जो पृथ्वीराज चौहान गुजर सम्राट रहे हैं उनके जो पूर्वज थे देवनारायण भगवान, जो आराध्य देव हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उनके पिताजी सवाई भोज, वो सब उसी चौहान वंश से इनका निकाल है पृथ्वीराज चौहान जी का। इनको डर ये है कि यदि तुमने इस पर दावा छोड़ दिया तो कहीं गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ये गुजर अपना बताने लगे या उसको कहेंगे, अनंगपाल तंवर जी को जिन्होंने दिल्ली बसाई, जो तंवरों के दिल्ली में गांव है, इनका तो कोई गांव नहीं है दिल्ली में, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की वो भी गुजर है, तो ये जो और महापुरुष है हमारे ये उनको भी अपना बता रहे हैं, अब इसका क्या करा जाए, ये तो मुझे लग रहा है इनको कहीं डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस पूरे मामले में एक शब्द बहुत प्रचलित हो रहा है और वो शब्द गुर्जर समाज के लिए लगातार बोला जा रहा है, भैंस चोर, ये क्या मामला है? देखिए जब आप अंग्रेजों के अस्तबल को चुरा लोगे, अंग्रेजों के हथियारों को चुरा लोगे, उनके खजानों को लूट लोगे देश की आज़ादी के लिए, और जो अंग्रेज आपको चोर या डकैत लिख के चले गए रिकॉर्ड में, पुलिस एक्ट में, तो ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, ताकि गुजरों ने उनसे लड़ाई लड़ी, इन्होंने लड़ी होती तो इनको देते। भाई मुझे एक चीज़ बता दो, मैं विपिन भाई एक क्वेश्चन आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ, भाई हमारी तो रियासत अभी चली गई अंग्रेजों से लड़ने में, हमारे तो महल भी रजवाड़े भी चले गए, जंगलों में चले गए, पशु चराने लगे, हमारे तो मुगलों से लड़ के हमारे जो महल ख़त्म हो गए, राजा ख़त्म हो गए, ये जो 562 रियासतों में अधिकतर इनकी रियासत है जो बची, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत बनाया
जिनको मिला गए, ये मुगलों से अंग्रेजों से कैसे बच गई, मेरी समझ में नहीं आता है। कहीं आपको इसका जवाब मिले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा विपिन भाई। रविंद्र भाटी जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि आज का ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सामाजिक रहा या इसमें कुछ राजनीति का तड़का भी आपने लगाया, क्योंकि आप आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव की मुझे जिम्मेदारी मिली है। मेरा जो सामाजिक संगठन है वो तो राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति है, जिसके द्वारा समाज ने मुझे एक दायित्व दिया है समाज के अधिकारों के लिए, समाज के लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जो मेरी राजनीतिक विंग है वो आज़ाद समाज पार्टी है, जिसका मुझे राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बताया। देखिए, किसी महापुरुष ने कहा है कि जब तक आप MP MLA ना बने तो सड़कों पर सुनी नहीं रहनी चाहिए, सड़कों पर संघर्ष होना चाहिए ताकि सरकार तानाशाही ना हो। और यदि आप MP MLA बन जाएंगे तो आप अपने समाज की लड़ाई विधानसभा में सवाल उठाओगे, लोकसभा में उठाओगे, और आपको पॉलिसी जहां बनती है वहां यदि आपके लोग होंगे तो आप अपने समाज का, कमज़ोरों का, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, वहां बैठ कर मदद कर सकते हो। इसलिए राजनीति भी ज़रूरी है। यदि हम राजनीति नहीं करेंगे तो अयोग्य लोग हम पे करेंगे। ये प्रोग्राम मेरा सामाजिक था, मेरे गुजर समाज ने मुझे यहाँ बुलाया, प्यार दिया, सम्मान दिया, और जहाँ राजनीतिक प्रोग्राम होगा वहाँ राजनीतिक बात करेंगे। रविंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार की खींचतान आज राजपूत समाज और गुर्जर समाज के बीच में है, अगर निकट भविष्य में कभी ऐसी खींचतान भीम आर्मी और गुर्जर समाज के बीच हो जाए, क्योंकि आपके अंदर गुर्जर समाज के लिए बड़ा दर्द है, तो फिर उस समय आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए विपिन भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब जब बहुजन एकता बढ़ती है और समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आते हैं, या आप कह लो जिनके अधिकार छीने जाए, जिनके इतिहास चुराया जाए, जिनके आरक्षण खत्म करने जाए, जब वो एक साथ एकता बनती है ना, तो जो बरसों से सीटों पर बैठे उनके पेट में दर्द हो जाता है और वो उस एकता को तोड़ने के लिए षड्यंत्र करते हैं। अभी एक षड्यंत्र आपने देखा कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर एक जानलेवा हमला हुआ, और ये मेरा ये मानना कि राजनीतिक षड्यंत्र था, क्योंकि आरोपियों की कोई रिमांड भी नहीं ली गई और आरोपियों से 4 राउंड फायरिंग हुई और आरोपियों को बता दिया कि कट्टे से फायरिंग की है, फायरिंग पिस्टल भी देखी गई है, और उसमें वो कारण नहीं बता पाए किस वजह से हत्या करना चाहते थे। तो जब जब एकता बनेगी तब तक षड्यंत्र साजिश होंगी। इस एकता को भी तोड़ने का RSS का काम क्या है? RSS फूट डालो और राज करो। जब इन्होंने लोकसभा 2014 लड़ा तो कवाल का बवाल हुआ, मुजफ्फरनगर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कराया गया, और अब 2024 आ रहा है, अभी तो सहारनपुर हुआ, हो सकता है मध्य प्रदेश में दंगा हो जाए या किसी और स्टेट में गुजर दलितों का झगड़ा करा दिया जाए। लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कि यदि किसी दो लोगों का झगड़ा है तो वो दो लोगों का रहे, वो समाज का झगड़ा नहीं होना चाहिए। गलती यदि ये कर रहे हैं तो इन्हें सजा मिले, पूरे समाज की उसमें क्या गलती है? तो ये जो एक षड्यंत्र, इससे भी हमें जो सावधान रहना पड़ेगा, और हम कोशिश करेंगे ये एकता बनी रहे। विपिन जी, हमारा समाज का कार्यक्रम था, ये जाटो समाज से भाई हुआ है, तो हमारा समाज जो लड़े आपसी है वो अपने नाम पर रहेगी, समाज के नाम पर नहीं बटेगी। ये जाटो समाज से गुज्जर समाज में देखो क्यों आया है, ये जाटो समाज से आया, बहुत सारे भाई आए हैं, तो ये हमारे साथ समाज के साथ है, हम इनके साथ है, वो अपने आप से लड़ाई है, उसे समाज में फैलाने का काम नहीं करेंगे तो कैसे टूट जाएगी आप ही बताओ। जब ये हमारे साथ खड़े हैं जाटो समाज के, जब ये गुज्जर समाज का प्रोग्राम था ये, और जाटो समाज हमारे साथ आ रहा है, तो ये तोड़ना चाहते ही नहीं, वो तो अपने आप से लड़ाई है। वो अगर जातिवाद में बाढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण होगा, अन्य ऐसा होने का नहीं। रविंदर जी, जिस तरीके से हरियाणा के कैथल में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति स्थापना होनी है और वहाँ पर विवाद गहरा गया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सहारनपुर में गुर्जर समाज ने प्रशासन की अनुमति के बिना यात्रा निकालने का काम किया था, तो वहाँ पर भी गुर्जर समाज आगे बढ़ेगा या कुछ बैकफुट पर आने की संभावना है? ये गुर्जर समाज ने कभी हटना नहीं सीखा, ये तो तोपों से नहीं हटे, तोपों से नहीं हटे। ये जो जब अंग्रेजों की बड़ी बड़ी फौज आ गई हिंडन पर, कई दिन का युद्ध हुआ, मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन हट नहीं सकते। और हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। जो लोग झूठ पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनको कहीं चिंतन करना चाहिए, उनके जो वो हैं बड़े बूढ़े, जो उनके शैक्षिक लोग हैं उनको उन्हें बताना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, वो ज़्यादा नहीं है, वो पूरा समाज नहीं है, वो कुछ लोग हैं, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो यहीं सहारनपुर में है वही कूद के वहाँ जा रहे हैं, तो ये तो अनावरण होना, महापुरुषों के अनावरण से कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए, तो राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष
एडवोकेट रविंद्र भाटी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।